अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कसौटी ऑनलाइन। जी हाँ नाज़रीन, जहां हम दो सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, उनको आपस में मैच लड़वाते हैं और फिर थर्ड राउंड वो मेरे साथ खेलते हैं। आज जब मैं यहाँ स्टूडियो आ रहा था मैंने एक गाड़ी में गाना सुना और वो थ्रू आउट गाना मेरे माइंड में अभी तक गुनगुना रहा है। इजाजत सर किए ये पहाड़, दरियाओं की गहरा, जी ऑफ कोर्स ये गाना स्ट्रिंग्स का है और बड़ा खूबसूरत गाना है। नाज़रीन आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका इस गाने से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है हमारे आज के पहले मेहमान, उनके बारे में क्या बात है। पहले वो मॉडल थे, फिर वो एक्टिंग में आ गए और जब उन्होंने एक्टिंग की तो वो बैन हो गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाल ही में ही इज बिन अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी बट ही इज अ फाइन एक्टर, ही हैज ऑलवेज बिन वेरी डेडिकेटेड टू हिज वर्क। आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद हैं एन एक्सीलेंट पोकर प्लेयर बाय द वे। The one and only Imad Irfani. और उनके साथ उनको ज्वाइन कर रहे हैं स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द वे फ्रॉम दुबई। अभी जो मैं गाना गा रहा था और मैंने कहा था इनका कोई ताल्लुक नहीं, मैं झूठ बोल रहा था क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव आधा स्ट्रिंग विद अस, द वन एंड ओनली द मैन विद द गोल्डन वॉइस एंड ऑफ कोर्स क्या बात है, वाह 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 वाह, वन एंड ओनली फैसल कवाटिया। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है आप लोगों के? बड़े सनलाइट आ रही है, बड़ा माशाल्लाह शेड्स बनाए हुए दोनों ने, दोनों एक एक सिंगर और एक एक्टर, तो जाहिर बात है लाइट तो अच्छी होगी। हाउ आर यू गाइस? ऑल वेल यार, ऑल वेल, एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड। यू लुक वेरी नाइस। ओह थैंक यू, थैंक यू। हां बिल्कुल, और इन्होंने जो ब्लूज हमें दे रहे हैं ना, ये ब्लू हर चीज ब्लू करके है तालिबा। हाँ, हाँ, यार मैंने कहा कि वो नहीं होते, कहते लड़का हुआ तो ब्लू। चलो एक स्पॉन्सर तो मुझे पता है मिल जाएगा तुम्हें। हाँ मिल जाएगा, बेफिक्र है। ब्लू वाला। हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स इन दुबई? यार थिंग्स आर फाइन, अगेन एज म्यूजिशियंस, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है सब उसमें बैठे हुए इंतजार में कि कब कॉन्सर्ट स्टार्ट हो, बट अगेन दिस डाउन टाइम इज ओके टू spend time with family, but hopefully the world will get better, inshallah sir. Main to dekhunga, inshallah sir, inshallah main bhi dekhunga. Imad, how are you? Aap to chhaye hue hain, sun rahe hain aajkal aap ban bade ho rahe hain. Wo mera bowling action ban ho gaya tha, wo wapas icc ne kaha ki he can bowl again. Oh good. Wow, congrats. Acha mujhe bataye apart from the controversy, what's going on? How are things going? Because ekdam phir se ab aista aista we're getting back to work. So how's the acting coming along now? Good. I guess main hamesha se bahut wo raha hu, secluded raha hu. So main apne aap ko aise samajhta hu jaise off season mein athlete apne aap pe train kar raha hota hai, jab koi opportunity aayegi to he'll be game ready. So, filhal, I'm in Lahore for the last 7-8 months. So, yeah, waiting for the next opportunity. And as long as I've known you, you've always been ready, man. You've always been working out. You always had this very strict diet, working out regime. Or, mashallah, you've always been following it. So, jab itne do perfectionist log aapas mein kasoti khelenge, to dekhte hain kya hoga, ladies and gentlemen. Aap logon ko rules to maloom hai, 20 questions hain aap logon ke paas ek dusre ki personality guess karne ke liye. Round 1 shuru hota hai ab. Mard ya aurat? Mard. Mard. Musician ya sportsman? Sportsman. Okay. Of course, cricketer. Yes. यार इतना इजी। बोलर या बैट्समैन? हैज टू बी बोलर वैसे, लेकिन मुझे नहीं पता। चले मैं आपको थोड़ी से लीनियंट मार्क्स दे देता हूँ। ही यूज्ड टू बी एन ऑलराउंडर, लेकिन ही बिगेन एज अ बैट्समैन। ही बिगेन एज अ बैट्समैन। ओके। द पाकिस्तान से ताल्लुक? नहीं। ओके यार ये तो खतरनाक हो गया है। अच्छा
पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, क्या वो अभी करंट प्लेयर है? करंट प्लेयर भी नहीं, नहीं। okay. क्या उनका ताल्लुक क्रिकेट खेलने के बाद कमेंट्री से रहा है? नहीं। okay. not a commentator. ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? ऑस्ट्रेलिया। hmm. ये की मिल गई आपको, की मिल गई है। सर कितने प्लेयर्स हैं यार? ओके okay. सर सवाल क्या हो गए? आप पूछें कि 92 के वर्ल्ड कप में वो थे, ये पूछें। लेकिन मुझे याद नहीं होगा कि वो कौन थे। अच्छा ठहरे ना, मुझे बताएं कि उनके मेरे सवाल के उनके कोई भाई भी थे साथ खेलते थे? ये की आपने ढूंढ ली ना? जी हाँ। अच्छा। और अपनी टीम की कैप्टनसी भी उन्होंने की? बिल्कुल, बहुत बड़े वो लेजेंडरी कप्तान भी रह चुके हैं। और उनका नाम जो है अल्फाबेट एस से शुरू तो नहीं होता था? अब ये मजे ले रहे हैं काफी, बिकॉज ये जान चुके हैं कौन है वो बंदा और ये आराम से अपने ओवर्स को यूज कर रहे हैं टुक टुक करके। हाँ again. जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एस से शुरू होता है। ओके okay. और लास्ट नेम जो है डब्ल्यू? बिल्कुल। उनके भाई का नाम मार्क हुआ था? यार फैसल भाई हिंट दे दूं कुछ और? सर अमेजिंग बैट्समैन, अमेजिंग इंडीड इंडीड सर, और इससे आपकी जहानत और इमाद की लेजीपन का अंदाजा हुआ हमको। जो चीज सामने थी उसने वही पूछ ली, उसने कहा चलो यही। नहीं मैंने कहा इसको ना मॉडरेट लेवल रखता हूँ डिफिकल्टी का, ना बहुत मुश्किल ना बहुत आसान। अली अजमत और अली नूर के एपिसोड के अंदर अली अजमत ने क्या पूछा जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि अली अजमत ये पूछ लेगा। निकोलस टेस्ला तो नहीं थे वो? आपकी सोच है, यहाँ लोग फ्रॉइड से लेके पता नहीं कौन कौन सा बंदा पूछ रहे हैं जी। अच्छा तो हमने जरा डिफिकल्टी लेवल अभी ऐसे से वार्म अप हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप देखिए। तो कीप इन माइंड फैसल भाई, यार मैं जो सोचा था ये जब इन्होंने इनविटेशन भेजा उससे पहले मैंने एक नाम सोचा था, मैं वही बोलूंगा, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन चलें आप बिस्मिल्लाह कीजिए। चले जी लेडीज एंड जेंटलमैन, राउंड टू शुरू होता है अब। स्पोर्ट्समैन म्यूजिशियन प्लीज। स्पोर्ट्समैन। पाकिस्तान से ताल्लुक है? नहीं। क्रिकेट से ताल्लुक है? जी। अरे बात है, गुल्ली डंडा तो नहीं वहां से खेलेगा वो? मैंने पहले से सोचा हुआ था, मुझे नहीं पता था ये भी क्रिकेटर ही सोचेगा, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। लेट इट बी। ओके रिटायर्ड? जी रिटायर्ड। अपनी टीम का कैप्टन रह चुका है कि नहीं रह चुका? जी। सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक? सब कॉन्टिनेंट से, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश? नहीं नहीं, एक चीज सारा पूछ लिया उन्होंने, एक चीज मतलब सब उन्होंने कहा सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक? सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक? नहीं जी नहीं। सब कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलियन? नहीं। इंग्लिश? नहीं। वेस्ट इंडियन? ओके। बैट्समैन है कि बॉलर प्लीज? स्पेशलिटी जो है वो बैट्समैन है। कराची में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 180 किया था? देखो आसान दिया था मैंने। I'm King Sir Viv Richards. Kya
क्या बात है नाजरीन, मुझे तो लगा हम लोग क्रिकेट ऑनलाइन खेल रहे हैं, कसौटी ऑनलाइन की जगह ये दोनों क्रिकेट का। लेकिन अब हमारा राउंड शुरू होता है सडन डेथ, क्योंकि दोनों एक एक पॉइंट हासिल कर चुके हैं, इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन अब देखते हैं इनमें से विनर कौन है। सडन डेथ शुरू होता है अब। सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक इसको? अच्छा, सब कॉन्टिनेंट से नहीं, उनका ताल्लुक सब कॉन्टिनेंट से नहीं था, मगर मैं ये आपको हिंट दे सकता हूँ कि वो सब कॉन्टिनेंट पे रहे जरूर थे। मर्द या औरत? मर्द। मर्द। आर्ट से ताल्लुक है, परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक है उनका? जी नहीं, हरगिज नहीं। ओहो। पॉलिटिक्स से ताल्लुक है? नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि वो पॉलिटिशियन थे। नॉट अ पॉलिटिशियन। जिंदा है या मुर्दा? मैं थे कही जा रहा था, मगर चले मुर्दा है। जो उनकी कंट्री थी जहां पे वो थे, इंग्लैंड थी वो? नहीं। कोई ब्रेक थ्रू क्वेश्चन चाहिए फैसल भाई हमें जरा। हिंट, यूरोपियन थे। चले मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यूरोपियन, उनका ताल्लुक यूरोपियन कंट्री से था। रहता भी नहीं है, यूरोपियन है, फॉरेन आर्ट से भी नहीं है, पॉलिटिक्स भी नहीं है। आपको हिंट देता हूँ, आप ये पूछे कि क्या उनका ताल्लुक इसी सदी से था? इसी सदी से मुराद ये 20 साल जो गुजरे हैं कि पिछली सदी जो गुजरी है? नहीं नहीं, 100 years, 100 years। जब आप सदी की बात करते हैं तो 100 years। ये लास्ट 100 years। चले ये आपसे क्वेश्चन किया ये वाला प्लीज। जी नहीं, वो इस लास्ट 100 years में उनका ताल्लुक नहीं था। आपको उनका मुल्क पता है जिस मुल्क से उनका ताल्लुक था? जी मुझे मालूम है। अच्छा, ये 8 सवाल है। नहीं, ये तो कैजुअल था, जरा बताओ तो सही ना, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? वो ट्रेवल करते थे पूरी दुनिया? जी। क्रिस्टोफर कोलंबस साहब तो नहीं हो सकते हैं? नहीं, यानी आई डोंट नो, मार्को पोलो के चांसेस हो सकते हैं, बट क्रिस्टोफर कोलंबस का ताल्लुक कहां से था? अलेक्जेंडर भी हो सकते हैं, मार्को पोलो भी हो सकते हैं। ऐसा सवाल पूछे जिसमें जो है ये तीनों डिफाइन हो जाएं। सर आप एक गैस लें, तीनों ग्रीक गैस लें, तीनों की एक एक गैस लें, बोले। ग्रीक थे वो? जी नहीं। फैसल भाई बोले। कितने सवाल हुए? अब क्या क्या ये 10 हुए? तीनों के नाम लें, तीनों के नाम लें। तीनों के नाम लेके जाया हो गए तो 13 सवाल हो जाएंगे, लेकिन चलो ले लेता हूँ। क्या वो मार्को पोलो थे? जी। बड़ी हिट क्या दूं? फैसल भाई नाम ले ले। Say my name. लेकिन नाम ले लिया था पहले, मार्को पोलो ट्रैवलिंग की वजह से। लेकिन वेल डन फैसल भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको पॉइंट मिला। हालांकि बड़ा डिफिकल्ट होता है मार्को पोलो, बिकॉज उसका प्रोफेशन वाज एक्चुअली मर्चेंट। सो आप कहते ना चल यार पसंदता था, मगर जब आपने कहा ना दुनिया ट्रैवल की हुई है, मैंने को मैंने कहा पहुंच गए। वाह 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 वाह, इट वाज इंटरेस्टिंग, टफ। मजा आता ये बोलते, और मैं कहता अहमद क्या वो मार्को पोलो है पॉइंट मुझे मिला। एग्जैक्टली, मैं कह रहा था मैं कहीं मार ना कह दे कि यार हां मार्को पोलो। अरे कहीं ये यार आया, लेकिन कैच स्लिप पिच हो गया बेचारा, अलेक्जेंडर पे चले गए। अरे मार्को पोलो का मुझे नहीं नहीं, बट आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड। यस नहीं, वेल डन, वेल डन फैसल। जाने से पहले फैसल भाई क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत मजा आया, एंड अगेन इमाद के साथ जो है बड़ी क्रिकेट की म्यूजिक की बहुत ज्यादा हमारी गपशप लगी रहती है। सो आई एम ग्लैड के बाय द वे हम लोग, सॉरी, मैंने कहा पोकर भी हम लोग खेलते।
वैसे ऑनलाइन एक वो होना चाहिए टूर्नामेंट यार, वैसे आईएसपी होना चाहिए बिकॉज़ यू शुड ऑर्गेनाइज इट। हां वैसे बाकी ऑनलाइन करते हैं पोकर ऑनलाइन, ठीक है ऑनलाइन ऑर्गेनाइज, ठीक ठीक। तो फैसल भाई आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हेन कैन वी सी अ न्यू सॉन्ग, व्हेन कैन वी हियर अ न्यू म्यूजिक वीडियो? Then I think inshallah post November I think things will get little better unless ki ye winters mein corona jo hai wo thoda sa zyada active na ho, hopefully not, but I think Pakistan mein cheeze aiste aiste khul bhi rahi hain, so hopefully post November concerts, new music, back to reality. Inshallah. And Imad, of course, aapne bhi kaha mashallah you're busy working, but when can we see you on the big screen, man? Film kab aa rahi hai? Let's see. I mean, kya keh sakte hain? I mean, I hope ke soon, inshallah, in 1 year, in 2 years. Inshallah, inshallah, because you're doing some great work on television and mashallah your jalan is creating a lot of controversy. Controversy is good, by the way. Yeah, bahut logon ke dil jala rahe ho. Jalne do. Anyway guys, thank you very much. I really appreciate you guys taking time out. Thank you so much. Aur ye thi hamari aaj ki episode, ladies and gentlemen, Imad versus Faisal, and of course Faisal bhai won. Aur mujhe nahi malum tha ye log cricket ke itne bade janooni hain. Thank you very much Imad and thank you very much Faisal bhai. I really appreciate you guys taking time out. Aur umeed hai jitna maine enjoy kiya aur inhone enjoy kiya utna hi aapne enjoy kiya hai aur utna hi isne bhi enjoy kiya hai. ये कुछ ज्यादा एंजॉय कर रहा है. एनीवे अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी. प्लीज लीव अ कमेंट, अगर अच्छी बात नहीं कह सकते तो मुंह बंद रखें. मुझे अहमद अली भट्ट को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.